आरसी, एक कार सीधे इसी तरफ आ रही है। डिसेप्टिकॉन? मॉम, फिर से उन्हें फिक्र हो रही होगी। हाय हनी। हाय। हॉस्पिटल में मेरी शिफ्ट जल्दी खत्म हो गई तो सोचा मिलती चलूं। दोबारा मिलकर खुशी हुई डॉक्टर। आरसी, तो ऑप्टिमस कहाँ है? वो बम्बलबी के साथ पहरे पर गए हैं। आप उनसे फिर कभी मिल लीजिएगा। मैं कब से उनसे मिलना चाहती हूँ। मॉम, अजीब बात है, इस प्लैनेट पर इतना जबरदस्त मैग्नेटिक सिग्नल पहले कभी नहीं मिला। मैं इस मैग्नेटिक सिग्नल को पहचानता हूँ साउंड वेव। इससे पहले कि वो किसी और को मिले, डिसेप्टिकॉन के बनाए उस हथियार को वापस लाना होगा। वो हथियार मैं लेकर आऊंगा लॉर्ड मेगाट्रॉन। ब्रेकडाउन? जब इंसानों के सामने तुम ढेर हो गए तो ऑटोबॉट्स के सामने क्या खाक टिकोगे? मुझे खुद को साबित करने का एक मौका दीजिए। उस दिन के बाद से मैंने कसम खाई है कि मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा लॉर्ड मेगाट्रॉन। हुआ करती थी ना? घबराइए मत मिस डाबी, हमने सीट बेल्ट लगाई थी। ये तो बहुत अच्छी बात है राफ। हाय मीको, स्कूल में सब ठीक है? क्यों, किसी ने शिकायत की? चलो काम पूरा करें जैक। पर मैं अभी तो आई हूँ, सैंडविचेस भी लाई हूँ। मॉम, मुझे आरसी के ट्रैकिंग सिस्टम को अपग्रेड करने में मदद करनी है। अच्छा, जरा संभल कर करना। उसमें कोई खतरा नहीं है, कई बार कर चुका है। जैक की मदद के बिना नहीं कर सकती। बल्कहेड, मुझे अजीब सा मैग्नेटिक सिग्नल मिल रहा है, पता लगाओ कि इसकी वजह क्या है। मैं भी चलूंगी। यहीं रुको मिको। तुम उसके साथ क्यों नहीं जा रही? किसी को लगता है इसमें खतरा है। तो फिर जैक आरसी के साथ महफूज कैसे है? मॉम, ये दोनों अलग बातें हैं। अच्छा, कैसे? मॉम से बहस नहीं करते जैक। रुको बल्कहेड, मैं साथ चलती हूँ। मैंने क्या किया? मिल गया। ये मेरे लिए इसकी क्या जरूरत थी? सही कहा। एक गद्दार मकड़ी की अफवाह तो सुनी थी, क्यों ना तुम्हें आज गद्दारी की सजा दी जाए। तुम क्या मुझे सजा दोगे? एक आंख से लड़ने में तकलीफ हो रही है ना? तकलीफ तो अब मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा। हाँ।
देखा, मिला दिया ना मिट्टी में। सॉरी, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। दिल पे मत लो आरसी, जैक की मॉम को उसकी सुरक्षा की चिंता है। वेल, महीनों से उनका बेटा मेरी वजह से सुरक्षित है, आज अचानक खबर लगने पर मुझे ही सिखाने चली। और नहीं तो क्या, उन्हें बेस से बैन कर दे। मीको, तुम यहाँ कैसे? जल्दी ब्रिज खोलो। रुको, मुझे जासूस मॉम के पास मत भेजो। उनके आने से पहले सब कुछ कितना मजेदार था। मत खोलो रैचेट, फिलहाल जरूरत नहीं है, ये हमारे साथ सुरक्षित है। अरे वाह, ट्रैक 7 लगाओ बल्कहेड। ट्रैक 7? हम जासूसी करने आए हैं, बैंड बाजा बजाने नहीं। पहरे पर खामोशी से धमाका करना चाहिए। क्या हुआ? पृथ्वी पर खामोशी और धमाके शब्द का कोई मेल नहीं है। बल्क, चलो जासूसी शुरू करें। तुम्हें छिप कर देखना चाहिए। जानता हूँ, लेकिन नीको को साफ साफ दिखाई नहीं देगा। सही बात कहूँ तभी सब मुझे ही सिखाएंगे। लगता है रैचेट को मैग्नेटिक सिग्नल वहां से आ रहा है। रैकनेड और ब्रेकडाउन, तुम दोनों के जानी दुश्मन आपस में लड़ रहे हैं। चलो अच्छा है, उसी से वो मैग्नेटिक सिग्नल मिल रहा होगा। अच्छा बताओ, प्लान क्या है? मीको, यहीं रुकना, हिलना भी मत। आरसी, फिर एक नया पार्टनर, इसे भी अब खत्म करना पड़ेगा। ये तो बल्कहेड है। तुमसे किसी ने पूछा? मुझे उड़ाओ। नहीं, ये मेरा शिकार है। जरा संभाल कर। वाह, इनकी टीम तो जबरदस्त है। स्क्रैप बुक के लिए एक फोटो हो जाए। शुक्रिया। तुम्हें पता भी है ये क्या करता है? ये खिलौना नहीं है। क्या हो रहा है?
देखें इस बटन से क्या होता है। मेगाट्रॉन मुझसे जरूर खुश हो जाएंगे। बल्कहेड, वो दोनों भाग रहे हैं। हे, मेरा फोन चिपक गया है। आरसी कहाँ है? तुम उससे चिपक क्यों नहीं जाते? मैं तुम्हारे पीछे हूँ। कहा? तुमने तो मेरे मजाक को सीरियसली ले लिया। ये क्या? ब्रेक डाउन बोल रहा, मुझे ग्राउंड ब्रेक चाहिए। मैग्नेटिक हथियार की वजह से चिपक गए। ये तो अलग ही नहीं हो रहे। और जल्द ही वो हथियार मेगाट्रॉन के हाथों में होगा। एक मैग्नेटिक दस्ताना दिखने में मामूली पर असर में बहुत जोरदार है। तुम हमें अलग कर सकते हो या नहीं रैचेट? तुम दोनों मैग्नेट के उल्टे सिरे बन गए हो, इसलिए एक दूसरे के साथ जुड़ गए हो। ये जुड़े नहीं है, चिपक गए हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसका असर खत्म करने के लिए उस दस्ताने की ही जरूरत पड़ेगी। एक बार वो दस्ताना मेगाट्रॉन के हाथ लग गया तो वो उसका इस्तेमाल फ्रिज पर सिर्फ नोट और फैमिली फोटोज चिपकाने के लिए नहीं करेगा। जैक, मैं कुछ समझी नहीं। मैडम, हम सब यहाँ लोहे के बने हैं। अगर पलक झपकते ही मेगाट्रॉन हमें चिपका दे या अलग कर दे तो हराना तो दूर, हम उसे छू भी नहीं पाएंगे। एक तरह की फोर्स फील्ड। उससे भी बदतर, वो उसका इस्तेमाल हमें पिघलाने के लिए भी कर सकता है। शुक्र है कि वो दस्ताना ज्यादा दूर नहीं पहुंचा। हमें उम्मीद है कि हम उसे हासिल कर लेंगे। हम कार बनकर उस तक जल्दी पहुंचेंगे। तब तो मेरे टुकड़े हो जाएंगे। ओह हाँ। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। बिल्कुल भी नहीं। क्या? पर तुमने कहा था। वो जासूसी थी, अब ये जंग है। तुम्हारे मजे के लिए मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। रैचेट, मीको के लिए ब्रिज खोलो। अभी लो। जैक की मॉम भी ऐसे ही डरती है, तुम उन्हीं की तरह हो। क्या मेरी तरह होना बुरी बात है? मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिट आ गया। एक औरत को जितने भी जेवर मिले कम ही हैं। तुम भी कभी डिसेप्टिकॉन थी, हम मिलकर इसे मेगाट्रॉन के हवाले करेंगे। इतनी कीमती चीज उसे दे दूं? ताकत बांटना मेरी फितरत नहीं, इसीलिए मैंने उसे छोड़ा था। इसके जरिए ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पीछे आंखें होने के फायदे भी हैं। कोई पीछे से वार नहीं कर पाएगा, ना तुम पर ना ही मुझ पर। बल्कहेड, क्या जून में और मुझ में कोई फर्क नहीं? वो हर बात पर डरती है, मैं बस कुछ बातों पर। बहुत फर्क है, हम पहुंचने ही वाले हैं। ख्याल है आरसी भी यही कहीं होगी। कुछ ऐसा ही समझो। अपने हाथ ऊपर करो और घूम जाओ। जैसी तुम्हारी मर्जी।
अब भी मिलकर काम करने का इरादा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा बल्कहेड से नफरत करता हूँ। बल्कहेड, हिलना बंद करोगे? गलती हो गई। मदद चाहिए? नहीं, मैं काफी हूँ। एक तीर, दो निशाने। बल्कहेड, झुको। बल्कहेड, जल्दी उठो। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तुम्हें अंदाजा तो होगा ही कि अब तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। अब खाओ हथौड़ा। जरा मेरी तरफ भी देखो। तुम में कुछ खास नहीं है। तेज है। लड़कों को खुद निपटने दिया जाए और हम अपनी दुश्मनी को मिटा देते हैं। एक हाथ बांध दिया है पर पांच उंगलियां खुली हैं। 10 उंगलियां होती तब भी हराती। कैसा लगा एक हाथ का झटका? हम लोहे को नहीं छू सकते। मैग्नेट का उल्टा असर। क्या करूं, आदत से मजबूर जो हूं। बल्कहेड, उसे पकड़ो। चलाओ इसे। और फिर से चिपकने का खतरा मोल लूं? काम की चीज है, लेकिन इसे खुले में इस्तेमाल करना। अरे अरे, ये तो एक दूसरे की अधूरी बातें पूरी करने लगे। मीको, ये देखो, लड़ाई में लगे नए निशान। आरसी, हे, बड़ों को बात करने दो। आरसी, मैं माफी मांगना चाहती हूँ। सच में? फिक्र होती है जब चीजें हाथ से निकलती हुई लगती हैं, जो कि आजकल के बच्चों के साथ होता ही है। जैक और मैं हमेशा करीब रहे हैं, खासकर उसके डैड के जाने के बाद, और शायद किसी और को उसके करीब देख नहीं पाई। मतलब ऐसा एक दिन होना ही था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो तुम्हारी जैसी लड़की के लिए मुझसे झूठ बोलेगा। हम में से कोई भी इतने बड़े बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो सकता है। ब्रेक डाउन, खाली हाथ आने की हिम्मत कैसे की? ऐसा नहीं है मास्टर। अरैक्नीड काफी दिनों बाद दिखी। लॉर्ड मेगाट्रॉन,
सब किस्मत का खेल है। वापस आकर अच्छा लगा।